बादल छट जाएंगे, संकट सारे कट जाएंगे, होना कभी निराश नहीं तू मन में आस जगा। आएंगी जरूर खुशियाँ, आएंगी जरूर खुशियाँ, डॉक्टर दीपक आचार्य के संग। बात कर रहे हैं तुला लगन और तुला राशि की। सबसे पहले मेरी तरफ से तुला लगन व तुला राशि वालों को नव वर्ष की हार्दिक बधाइयां, हार्दिक शुभकामनाएं। तुला लगन व तुला राशि वाले जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, उनको यह जानकर अपना भविष्य सुनिश्चित करना होगा कि 2021 उनके लिए बहुत खुशियां और बहुत नई चीजें लेकर आया है। या वो लोग जिनका नाम र और त से शुरू होता है, र के जितने भी शब्द हो और त के जितने भी शब्द हो, आर और टी से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी नाम राशि है तुला राशि। और तुला राशि का भविष्य फल कथन आपके सामने मैं करने जा रहा हूं। आपको इस वीडियो में पांच पार्ट्स में, पांच विभाग में, पांच भागों में अपने भविष्य के बारे में इंफॉर्मेशन या जानकारी मिलेगी। सबसे पहले इस वर्ष आपको अपने भीतर, अपने स्वभाव में क्या क्या बदलाव करना है। उसके बाद हम बात करेंगे बच्चों के भविष्य के बारे में, जो तुला लगन, तुला राशि या र और त से जुड़े हुए जो बच्चे हैं उनके भविष्य में क्या बदलाव आएंगे। तीसरे तल पर हम बात करेंगे तुला लगन व तुला राशि के सामान्य फल के बारे में। और चौथे वर्ग में बात करेंगे उनके लिए कौन सा समय शुभ व अशुभ रहने वाला है। और उसके बाद हम बात करेंगे, उन्हें कुछ टिप्स देंगे, कौन सा कलर, कौन सा रत्न उनके लिए लकी है। और सबसे लास्ट में उनको दिए जाएंगे सुझाव के तौर पे कुछ बहुत महत्वपूर्ण उपाय, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तुला लगन, तुला राशि वाले लोग बहुत सुलझे हुए होते हैं, परंतु इस वर्ष 2021 में, जिसमें कि संवत की बात करूं तो मंत्री भी मंगल है और राजा भी मंगल है, और अगर मैं न्यूमरोलॉजी की बात करूं तो 2021 नंबर बनता है पांच, चंद्रमा, ब्रह्मांड, चंद्रमा और सूर्य के अंक को मिलाकर मिलता है नंबर पांच। तो बुध की भी बात करेंगे किस तरह से तालमेल बैठेगा, और मंगल की भी बात करेंगे, मंगल अमंगल करेगा या मंगल ही करेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। 2021 में किस प्रकार से तुला लगन व राशि वालों की जिंदगी बदलने वाली है, किस तरह उनके जीवन में बड़े बदलाव आएंगे, उन पे चर्चा कर रहे हैं। नाम राशि है र और त, रा, री, रे, ता, ते, जितने भी स्वर हैं आर और टी से जुड़े हुए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मानसिक राशि फल जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो भी आप जरूर देख सकते हैं। आपको मेरे YouTube चैनल डॉक्टर आचार्य दीपक पर मंथली जो राशि फल है वो मिलेगा, ईयरली जो राशि फल है वो मिलेगा, वीकली जो राशि फल है वो भी आप इसी चैनल पर पा सकते हैं, अपनी राशि के बारे में और अन्य 11 राशियों के बारे में भी। बात करते हैं तुला लगन के व्यक्तियों को अपने में क्या क्या बदलाव करना है। तुला लगन वाले बहुत नाप तोल के चलते हैं, तो इस वर्ष उन्हें बहुत नाप तोल के नहीं चलना है। उन्हें अपने भीतर बहुत सारे बदलाव करने होंगे, उन्हें जो चीजें जैसे हैं उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट करना होगा। इस वर्ष आप ओवर इमोशनल नहीं रहेंगे, इस वर्ष आप ओवर रूड नहीं रहेंगे। आपको जो चीजें जिस प्रकार से मिल रही हैं आप उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे, ये पहली बात है। दूसरी, आप घर से दूर कार्य करने के लिए जाएंगे ही जाएंगे और कभी भी इस बात को नहीं नकारेंगे। अगर आप बच्चे हैं तो स्टडी के लिए आपको घर से दूर जाना पड़ेगा, हालांकि पिछले वर्ष कोरोना काल गया, फिर भी तुला लगन व राशि वालों को मैं बता दूं कि तुला राशि वालों, आपको अपने घर से बाहर जाना पड़ेगा। तुला लगन वाले बहुत ही ज्यादा एक तरह से तराजू की तरह अपने व्यक्तित्व को घर में, समाज में एक तरह का तालमेल बिठा के चलते हैं, वो इनके लिए गलत है, वो सही नहीं। उसके बाद बात करते हैं तुला लगन वालों की व्यक्तित्व की तीसरा क्या बदलाव करना है। इस वर्ष आपको थोड़ा खर्चीला होना पड़ेगा। अगर आप धन संचय करके चलते हैं, अगर आप धन की कंजूसी करते हैं, तो इस वर्ष आपको थोड़ा धन
खर्चना पड़ सकता है। तुला लगन वालों, आपको याद रखना पड़ेगा ये तीन मुख्य बिंदुओं को जो आपने अपने भीतर बदलाव के तौर पर लेकर आने हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं बच्चों के भविष्य के बारे में। तो तुला लगन के जो भी बच्चे हैं जो स्टडी कर रहे हैं, उनको अपने पैरों का विशेषता ध्यान रखना है, उनके पैरों पर चोट लग सकती है। उसके बाद उनको ध्यान रखना है अपनी कमर का, कमर के रोग से वो पीड़ित हो सकते हैं। स्टडी में बहुत अच्छा करेंगे, स्टडी के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में भी ध्यान दें, उनके लिए बहुत सहज है, बहुत अच्छा है। बच्चों के लिए यह भी हिदायत है कि वो घर से दूर उन्हें स्टडी के लिए जाना पड़ सकता है। प्रयास ये करें कि अगर आप 10th कर चुके हैं और आपने किसी शैक्षिक स्तर का चुनाव करना है तो आप कॉमर्स लें बजाय कि नॉन मेडिकल, मेडिकल या आर्ट्स की, ह्यूमैनिटीज की बजाय आपको कॉमर्स जो है वो चुनना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं 12वीं कक्षा के, तो विदेश जाने के लिए ये समय बहुत अच्छा है, तुला लगन व राशि के लिए बहुत बढ़िया समय है। बच्चों को ध्यान रखना है उनकी कमर का और उनके पैरों का। बच्चों को ध्यान रखना है कि उन्हें स्टडी के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में भी जोड़ना है, जो ऑनलाइन ना हो करके ऑफलाइन भी हो, यानी कि इंडोर की बजाय उन्हें आउटडोर भी जाना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं तुला लगन का सामान्य राशिफल। तो सबसे पहले आप जान लें कि जब ये राशि प्रवेश, ग्रह की राशि प्रवेश होगा, तो कौन से ग्रह किस प्रकार से और क्या आपको लाभ देंगे, क्या आपको फल देंगे। सबसे पहले मैं आपको राशि परिवर्तन योग के बारे में समझा देता हूं, क्योंकि इस वर्ष एक नहीं, दो नहीं, तीन ऐसे दुर्लभ योग तुला लगन की कुंडली में बन रहे हैं जो आपको धन धान्य से भरपूर कर देंगे। परंतु आपको ध्यान रखना है अपनी मैरिड लाइफ का और अपने घर में चल रहे किसी प्रकार के कलह या कलेश का। आपको विचार करना होगा अपने घर के कलह कलेश का, जिस वजह से आप अपने आप को थोड़ा सुचारू और थोड़ा अच्छे रूप से चला सकेंगे। सबसे पहले ध्यान रखते हैं, शुरुआत करते हैं कि सामान्य फल क्या मिलने वाला है। जैसे ही इस वर्ष का आरंभ होगा, उस समय शुक्र जो है वो होगा धनु राशि में, जो कि रहेगा 28 जनवरी 2021 तक। अगर मैं लगन की बात करूं, जैसा कि मैंने आपके लिए एक तरह का चुनाव बनाया, एक तरह का मैंने नोट्स आपके लिए प्रिपेयर किए हैं, ताकि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से और सत्य और सरलता से समझा सकूं, जिसमें केवल सच्चाई हो, फालतू की बकवास बाजी ना हो। मुद्दे पे रहें, बात करते हैं। वर्ष की शुरुआत में शुक्र रहने वाला है धनु राशि में, जो कि वहां रहेगा 28 जनवरी 2021 तक। अब शुक्र अगर द्वितीय भाव में होगा, अगर धनु की मैं राशि की बात करूं, तो उस समय आपको किन चीजों से बचाव रखना है? आपको बचाव रखना है आपकी सेहत से। छाती में दर्द हो सकता है, पेट के रोग आपको हो सकते हैं, उनका बहुत ध्यान रखेंगे। उसके पश्चात शुक्र आएगा चतुर्थ भाव में, जो कि रहेगा 21 फरवरी 2021 तक मकर राशि में, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। 21 फरवरी 21 तक शुक्र रहेगा मकर राशि में, तो आपको आपकी माता के साथ मतभेद हो सकते हैं, आपकी माता के साथ आपके विवाद हो सकते हैं, आपको घर से दूर जाना पड़ सकता है, थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। और अगर आप काम करते हैं खाने पीने की वस्तुओं का, दूध का, फूड इंडस्ट्री से जुड़े हैं आप, या कंज्यूमिंग आइटम्स से जुड़े हैं, जैसे कि किराना, जनरल स्टोर इत्यादि से जुड़े हैं, तो भी आप अपने व्यापार का बहुत ध्यान रखेंगे। उसके पश्चात शुक्र कुंभ में तक में रहेगा 16 मार्च 2021 तक। और कुंभ की मैं बात करूं तो वहां एक योग बन जाएगा उस समय गुरु शुक्र और शनि का, गुरु शुक्र और शनि का, जो कि एक ऐसा योग है जिसे हम दुर्लभ योग तो कहेंगे, परंतु अगर आप मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं, एजुकेशनल फील्ड से जुड़े हैं, टीचर हैं या डॉक्टर हैं, तो आपको थोड़ी पीड़ा, थोड़ी चिंता इस समय सहनी पड़ सकती है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। पैसा जरूर कमाएंगे, परंतु मानसिक पीड़ा और परिवार में कला कलेश पुनः बना रहेगा। उस पश्चात जो शुक्र है ट्रेवल करता हुआ आ जाएगा 9 अप्रैल 2021 तक मीन में। मैं आपको समझाना चाहूंगा कि आपके लिए जो बुरा वक्त है, जो ध्यान रखने वाला वक्त है, वो भी मैं आपको इस दशा के बाद बता दूंगा कि कब आपने
अपने सेहत का, अपने पैसे का, अपने परिवार का ज्यादा ध्यान रखना है, और कौन सा समय आपके लिए अत्यधिक शुभ रहेगा। तुला लगन राशि व र और त, आर और टी से जुड़े हुए लोगों के लिए बात कर रहे हैं। राशि प्रवेश में शुक्र रहा धनु में, उसके बाद वो गया मकर में। पहले छाती की पीड़ा, पेट दर्द इत्यादि इत्यादि, घर में माता से क्लेश। अब बात करते हैं हम मार्च के महीने की और अप्रैल के महीने की। ये दो महीने ऐसे हैं जब आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा सब तरफ से, अपनी आमदनी से और अपनी सेहत से आपको बहुत अवेयर होकर चलना पड़ सकता है, जिसमें आपको घाटे भी हैं और सेहत में थोड़ी गिरावट भी है। उसके पश्चात 3 मई 2021 तक जैसे ही शुक्र जो है वो मेष में रहेगा 3 मई 2021 तक, तो आपका आपके जीवन साथी के साथ विवाद हो सकता है। शुरुआत करते हैं 9 अप्रैल से 3 मई 2021 तक, 9th अप्रैल से 3rd मई 2021। ये कैसा समय होगा, जब अगर आपकी तुला लगन राशि वर और द से आपके नाम की शुरुआत हो रही है, तो आपका आपके जीवन साथी के साथ विवाद बढ़ सकता है, आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, आपकी लव लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, आपकी कमिटमेंट वाली लाइफ भी डिस्टर्ब हो सकती है। उसके पश्चात मिथुन में शुक्र रहेंगे 27 जून 2021 तक। अब 27 जून 2021 तक एक ऐसा समय होगा जब आपको शेयर मार्केट में लाभ मिल सकता है, जब आपको ऐसे बिजनेसेस में लाभ मिल सकता है जहां आप कमीशन का कार्य करते हैं, जहां आप को एक प्रॉपर्टी का काम है जहां आप कमीशन आपको मिलता है, ट्रेडिंग आप करते हैं वहां आपको लाभ हो सकता है, आपको अपने ननिहाल से धन मिल सकता है, आपको अपने अनुज से, छोटों से भी प्रेम और धन दोनों मिल सकते हैं, आपके घर के थोड़े हालात सुधरेंगे, आपके माता पिता के साथ अगर आपका कलेश है तो वो भी कुछ समय के लिए सध जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि शुक्र की जो व्यवस्था है, ग्रह युति व्यवस्था है, याद रखें जब भी शुक्र जैसे गुरु शनि के साथ, मैंने कहा मकर में 4th हाउस में आपकी कुंडली में रहा, तब उसने आपको धन लाभ देने हैं, परंतु वो कुछ क्षतियां और कमियां भी देगा। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, अब शुक्र ट्रेवल करके आएंगे अपनी राशि से विपरीत राशि कर्क में 16 जुलाई 2021 तक शुक्र यहां रहने वाले हैं, 16 जुलाई 2021 तक। ये ऐसा समय होगा जब आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। कब से कब तक ये समय रहेगा, 26 जून 2021 से 16 जुलाई 2021 तक। याद करने के लिए मैं बोल सकता हूं कि 21/6/21 से 21/7/21 तक आपको बहुत ज्यादा विकल्प, नए बिजनेस ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं, जो आपको नए बिजनेस ऑप्शंस देंगे, जहां आप नए बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, यह आपके लिए बहुत अच्छा होगा। उसके बाद बात करते हैं कि कब आप आय बढ़ा सकते हैं, बिजनेस ऑप्शन तो आपको मिले 21/6/21 से 21/7/21 तक आपको बिजनेस ऑप्शन तो मिले, परंतु पैसा कब मिलने वाला है उस पर चर्चा कर लेते हैं। वो समय रहेगा आपका ये कह सकते हैं हम के 1 अक्टूबर 2021 से 29 अक्टूबर 2021 तक, 1 अक्टूबर 2021 से पूरा अक्टूबर का महीना अच्छा रहेगा आपके लिए, बढ़िया, बेहतर और लाभप्रद रहेगा, आप ये समझ सकते हैं। बात करते हैं नवंबर की, तो 1 नवंबर 2021 से 7 दिसंबर 2021 तक आपको ध्यान रखना होगा अपनी सेहत का। आपका कोई रोड एक्सीडेंट हो सकता है अगर आप ट्रेवल करते हैं उस दौरान, तो ट्रेवलिंग अवॉइड करें महीने के बिल्कुल लास्ट में, तो कहीं भी ना जाएं, और ये साल का वैसे भी एक अंतिम महीना ही होगा, इसको आपको देखना होगा। आप ये जनरल प्रेडिक्शन है आपके पूरे साल की। अगर आप और डीपली इसे समझना चाहते हैं, इसे जानना चाहते हैं, तो आप हमारा मंथली प्रेडिक्शन कार्यक्रम भी देख सकते हैं, जो कि 10 तारीख तक हम लोग अपलोड कर देते हैं। उसके बाद हम वीकली भी कोशिश करते हैं कि आपको बताया जा सके कि आपके ग्रह कैसे फल करने वाले हैं। तुला लगन, तुला राशि व र और त से जुड़े हुए तमाम मेरे दर्शक, तमाम मेरे मित्र,
अब बात करते हैं पॉजिटिव समय की, तो पॉजिटिव समय आपका रहने वाला है 16 मार्च 2021 से 9 अप्रैल 2021 तक। 16 मार्च 2021 से 9 अप्रैल 2021 तक इस समय शुक्र जो है वो उच्च के होंगे मीन राशि में, तो आपको काफी लाभ धन लाभ इत्यादि इत्यादि देने वाले हैं। उसके बाद 9 अगस्त 2021 से 26 अगस्त 2021 तक आपका समय बहुत अच्छा रहने वाला है। जिस समय में आपको अवेयर रहना है वो समय कौन सा है वो भी बता देता हूं मैं आपको। वो समय है 10 अगस्त 2021, 4 सितंबर 2021। अगस्त और सितंबर का महीना यहां अच्छा और बुरा दोनों समेल खा रहा है, याद रखें। इसमें आपको धन लाभ तो होंगे परंतु सेहत में गिरावट या परिवार के बड़ों की सेहत की वजह से खर्चा हो सकता है। मान लीजिए आपके माता पिता या अन्य बुजुर्ग किसी कारणवश हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं या हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, तब आपको कष्ट जरूर आए, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम कि और कौन सा ऐसा नेगेटिव पीरियड है जो आपको कष्ट दे सकता है, वो है 1 अप्रैल 2021 से 16 अप्रैल 2021 तक। अप्रैल के महीने में याद रखिएगा, भूल कर भी आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है तुला लगन वालों, याद कर लेना, कोई प्रॉपर्टी ना शेयर्स ना गोल्ड ना एसेट्स, अप्रैल के महीने में आप किसी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करेंगे, वो आपके लिए गलत हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी जो उपाय हैं, कौन कौन से ऐसे टिप्स हैं जो आपको मैं देना चाहता हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके लिए लकी कलर कौन सा रहने वाला है। लकी कलर आपके लिए रहने वाला है ग्रीन या ग्रीन रंग के सभी सुमेल जो सफेद तक ले आते हैं, लाइट ग्रीन, सी ग्रीन, ग्रीन, ये सारे कलर आपके लिए, हरा रंग आपके लिए लकी रहने वाला है। और पीरियड मैंने अच्छा आपको बता ही दिया है। और अब मैं स्टोन की बात करूं तो आप जो है पहन सकते हैं ओपल का स्टोन, ओपल स्टोन या जरकन स्टोन। शुक्र के दोनों रत्न हैं, अगर आपने हीरा, पन्ना, पुखराज, मूंगा, मानिक इत्यादि इत्यादि पहना है तो उसे इस वर्ष कृपया उतार दें और एकमात्र स्टोन पहने जैसे हम कहते हैं ओपल और जरकन। ये आप अगर जरकन पहनते हैं तो ये भी सोने में पहना और चांदी में पहना जा सकता है। अगर मैं ओपल की बात करूं तो ओपल भी आप सोना व चांदी दोनों में पहन सकते हैं। जरकन के लिए आप चुनाव करेंगे अपनी अनामिका का और ओपल के लिए चुनाव करेंगे तर्जनी का। सबसे पहली उंगली जो है द फर्स्ट फिंगर, द कॉल्ड इंडेक्स्ड फिंगर, उसमें आप ओपल पहनेंगे। इन द मिडिल वन अनामिका, इट कनेक्ट विद अवर हार्ट, तो इसमें आप पहन सकते हैं जरकन। दो रत्न आपके लिए बहुत अच्छी हैं, बहुत बढ़िया है। अगर आप और विस्तृत जानकारी अपने बारे में लेना चाहते हैं, अपनी राशि का भविष्य कथन करवाना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पे जो नंबर दिए जा रहे हैं इन पे अपना जन्म तारीख, जन्म समय इत्यादि भेज सकते हैं, मेरी टीम से जुड़ सकते हैं। मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि जो भी जानकारी आपके समक्ष रखी जाए वो पूर्ण रूप से सच पे आधारित हो, न केवल सच के समीप हो। ये कुछ उपाय हैं अच्छा बुरा समय टिप्स जो आप कर सकते हैं। हाँ, अंत में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं विशेषतः दो उपाय तुला लगन वालों, तुला राशि वालों या र और त से जुड़े हुए लोग, आर और टी से जुड़े हुए लोगों के लिए बताऊंगा, र और त वालों के लिए, तुला लगन तुला राशि वालों के लिए। सबसे पहला उपाय, जो मेरी बहनें, जो मेरी माताएं इस वीडियो को देख रही हैं, उन्हें क्या करना है, उन्हें शुक्रवार के दिन माता दुर्गा को श्रृंगार का सामान अर्पित करना है। ऐसी 6 चीजें 7 चीजें करें, 6 के बजाय भी 7 करें, लगन तुला अंक 7 है तो 7 चीजें 6 भी आप अर्पित कर सकते हैं माता दुर्गा को शुक्रवार के दिन। 6 शुक्रवार माता दुर्गा को ऐसी 6 चीजें श्रृंगार की, जैसे लिपस्टिक, बिंदी, सिंदूर, जो भी सुहाग की निशानियां होती हैं वो आप अर्पित कर सकते हैं, चूड़ी, बिंदी इत्यादि इत्यादि। और जो मेरे भाई, जो मेरे दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मैं आग्रह करना चाहूंगा कि वो लोग शुक्रवार के दिन सुबह प्रातःकाल खाली पेट और पूजन के समय यानी कि सुबह 8 बजे से पहले पहले शिवलिंग को दही से लेप करें, भगवान शंकर के शिवलिंग को आप स्नान करवाएं दही से, उससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और वीडियो में क्या चाहते हैं आप, क्या हमें सुझाव देना चाहते हैं, आप हमें बता सकते हैं, आपके सुझावों का बेसब्री से इंतजार करते हैं।
तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं और आपके प्रेम की और आशीर्वाद की आशा करता हूं। आपका अपना भाई बंधु नमस्कार।